हेलो दोस्त, रेलवे लाइफ चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब दो डिटेल बारे में कह देंगे, आरपीआई सब इंस्पेक्टर का मॉक टेस्ट और एलपी का मॉक टेस्ट, दोनों का मॉक टेस्ट आ गया है। साथ में तीसरा अपडेट करेंगे, 8DB आ गया है आरआरसी एनसीआर प्रयागराज के लिए ग्रुप डी 2019 के लिए डीबी में, और 8वां DB चल रहा है। अनुमान लगा सकते हैं एनसीआर में बर्बाद लोग कहते थे बदनाम है, हालांकि कई लोग हर वीडियो में पूछते हैं कि गोरखपुर का क्या होगा। तो देखिए, गोरखपुर का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। एलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी सभी एग्जामों में यहाँ पे हर विद्यार्थी का एक हमेशा शिकायत रहता है। तो देखिए, यहाँ पे हमें मालूम नहीं, कुछ लोग कहते हैं 11 तारीख को आरआरसी से पूछेंगे जाके, तो देखिए बिल्कुल जाना चाहिए। और जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है आरआरसी से, अपनी क्वेश्चन अपनी डिमांड जरूर करनी चाहिए कि मेरा डीबी आगे कब आएगा, ये फैक्ट है। लेकिन अभी जो डिटेल आया है उसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले रांची की वेबसाइट पर चलिएगा, या वहाँ पर आपको दूसरे आरआरसी पे भी आ गया, तो यहाँ पर एलपी का लिंक आ गया था मॉक टेस्ट के लिए, और अब टेक्नीशियन ऊपर में सब इंस्पेक्टर यानी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का आ गया है। हालांकि दोनों टेस्ट लगभग एक ही होगा, ज़्यादा कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन नाम अलग अलग दिया हुआ है। टेस्ट का थोड़ा सा कोड अलग होगा, ऊपर से साइन इन करिएगा। तो साइन इन करते ही देखते हैं कि एलपी वाला ही है, एलपी वाला हम लोग सुबह देखे थे, इसमें क्या हो रहा है, चेंज है क्या है, उसके बाद एनसीआर पे चलेंगे। तो ये असेसमेंट तो इंस्ट्रक्शन वही दिख रहा है, लगभग वही है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। अभी ओपन भी सही तरीके से टाइम ले रहा है इसमें ओपन होने में। तो चलिए चलते हैं हम अब एनसीआर की वेबसाइट पे। यहाँ पे नोटिस फॉर 8DB का कॉल आ गया है डाउनलोड यहाँ पे, और डाउनलोड कैंडिडेट का लिस्ट है और एक नोटिस है, दोनों डाउनलोड कर सकते हैं एक एक करके। कैंडिडेट का लिस्ट अगर यहाँ से डाउनलोड करेंगे और नोटिस भी दोनों एक साथ एक एक हो जाएगा, तो कैंडिडेट का ये है आपका नोटिस। नोटिस में देखिएगा 117 कैंडिडेट के बारे में बात किया है, लेवल वन का है, 8DB है, और 8DB में 117 कैंडिडेट को कॉल किया है 8वें चरण के लिए, जिनका डीबी 12 और 13 नवंबर 2024 को प्रस्तावित है, जिसके लिए बहुत टाइम नहीं है। आज 5 तारीख हो गया है, अपनी डॉक्यूमेंट बना लीजिए और पहुंच जाइए आरआरसी के पास। एक तो ये डिटेल हो गया, दूसरा डिटेल की बात हम कर रहे थे यहीं पे, तो दूसरा इसी में डिटेल है कैंडिडेट का लिस्ट। कैंडिडेट का 117 में से आधा ओबीसी के कैंडिडेट हैं, बाकी कैंडिडेट आधे कम्युनिटी में हैं, सारे यूआर का एक भी कैंडिडेट का लिस्ट नहीं है, शायद उनकी लिस्ट खत्म हो गई होगी। तो ऊपर देखिए, एक तो 12 तारीख का डेट है और एक 13 का है। 12 तारीख वाले में सारे यूआर का है, एक्सेप्ट एक कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के लास्ट वाले हैं, और बाकी में ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, यानी ईडब्ल्यूएस की संख्या भी ठीक ठाक है, यहाँ पे यूआर का कोई नहीं है। ईडब्ल्यूएस की संख्या इधर है, फिर ये भी ईडब्ल्यूएस हैं, इधर वाले ये दोनों कॉलम आपका मिक्स है एससी एसटी के लिए। तो ये पूरा डिटेल है टोटल 117 कैंडिडेट का। अभी और भी आ सकती है, अगर ऐसे रहा तो कम से कम 8-8, 9-9 DB आ रहा है, वो बेहतर है कैंडिडेट के लिए जो वेटिंग में है। थैंक यू, धन्यवाद।